गेहूं के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं उन कीड़ों को किस तरह से निकाला जाए, आज हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। कई लोगों के सुनने के बाद कि गेहूं में तेज पत्ता या लौंग रखने से गेहूं के अंदर कीड़े नहीं लगते, ये सब करने के बाद भी हमने देखा कि गेहूं के अंदर कीड़े लग चुके थे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने तेज पत्ता और लौंग डाल दिया है उसके बाद भी गेहूं के अंदर कितने सारे कीड़े लग चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ हमने थोड़े से गेहूं लेकर इसको छाना है तो देखा कि इतने सारे कीड़े इसमें से निकले और गेहूं के अंदर काफ़ी सारे कीड़े जो कि अभी जन्म ले रहे हैं, जो कि गड्ढे कर चुके हैं गेहूं के अंदर। आप देख सकते हैं गेहूं के अंदर कितने गड्ढे हो रहे हैं, तो यानी कि इनके अंदर भी कीड़ा बैठा हुआ है। तो इन सबको दूर करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तेज पत्तों को हटा देना है या जो भी आपने दवाइयाँ डाल रखी हैं वो हटा देनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, खूब सारा पानी हमें डालना है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी मरे हुए कीड़े इसके अंदर पड़े थे और जितना भी इन्होंने गेहूं को खाया है उससे जो धूल धूल सी यानी कि जो घुन लग जाता है वो सब निकल चुका है। अब हम इसको दोबारा वॉश कर लेंगे तो जितने भी कीड़े पानी में निकल सकते हैं वो पानी में ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको धूप में रखेंगे कुछ इस तरह से कपड़े के ऊपर फैला के, जिससे पानी नीचे से निकल जाए और इसके अंदर जो गेहूं के अंदर कीड़े होते हैं वो नमी की वजह से, जिनको नमी पहुंचेगी क्योंकि ये धुले हैं तो अंदर तक नमी पहुंचने में टाइम लगता है, नमी की वजह से और धूप की गर्मी की वजह से जो अंदर बैठे हुए कीड़े थे गेहूं के वो भी सब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और हमारे गेहूँ धीरे धीरे पूरे ही साफ हो जाएंगे। और गेहूँ को 3 से 4 दिन धूप लगाने के बाद गेहूं हमारा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं को हमने किस तरह से फैला दिया है, तो जितने भी कीड़े थे इसके अंदर वो काफ़ी हद तक अब निकल चुके हैं। अब आप इसको एक बार छानेंगे और जितने भी मर गए होंगे इसके अंदर कीड़े वो सारे छलनी की सहायता से निकल आएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा गेहूँ पूरी तरह से अब साफ़ हो चुका है। थैंक यू।